ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੈਂਡ ਵਲੋਗਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। लो जी, हुण इधर बिजाई शुरू हुई हुई है, सीधा जा रहा है। हुण नीचे उतर के भी दिखाने हैं पिछले पासों कि पिछले पासे किदा हुंदा है। इहदे विच एक तां हुंदा है कि ये कणक वाली है, इसनूं पर असीं जीरी विच भी यही यूज करते हैं। इहदे विच बस एक गरारी बदलन की लोड़ हुंदी है। इसनूं बीजन का सही वेला हुंदा है सवेर नूं ते शाम नूं, दुपहरे जदों दिन हुंदा मतलब तिखी धुप उदों ना बीजा जावे तां वधिया है। तो ये इधर बीज पाया हुआ नीचे, जिहड़ा तुसीं बीच देख रहे हो पाइप है उसदे राही नीचे जाती है, इधर फालियां विच फिर होके सीधा धरती च। ड्रिल नाल बीजन का एक फायदा है कि इसदे नाल टाइम सेविंग होंदी है, वाटर सेविंग होंदी है। जिहड़ी दूसरी जीरी होंदी है पहला पानी छड़ना पैंदा खेत विच, फिर पानी खड़ाना पैंदा है, उस तो बाद फिर कद्दू करना पैंदा है, फिर पौध लगती है। उस दे नाल बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुंदा है, इस दे नाल बस सीधा सुके खेत विच कर दो। इस तों बाद बीजन तो बाद इस दे विच एक स्प्रे हुंदी है कख ना होण वाली, वह वधिया क्वालिटी की लेके आयो, उस दे नाल कख नहीं हुंदा। जीरी भावें ड्रिल ना बीजो चाहे छिट्टे ना बीजो, पर जिहड़ी जीरी बीजन तो बाद जिहड़ी स्प्रे करनी है वह वधिया क्वालिटी वधिया कंपनी की लेके आयो, तां वह ज़्यादा असर करेगी। जिहड़ी कख वाली स्प्रे हुंदी है वधिया कंपनी की होनी चाहीदी है। तो जीरी के उपरों जिहड़ी स्प्रे करूँगे वह सूरज ढलन तो बाद शाम नूं करनी है। लो जी, ये है मेरे नानी दा घर दा गार्डन। मेरे को वीडियो आई सी, मैं सोचा चलो तुहाडे नाल शेयर कर दाँ। इधर देखो सारे मतलब ये भी अपने वांग फ्लावरिंग सारी एन चंगी तरह की हुई है, गार्डनिंग इन्हों भी पसंद है। उधर एक कॉर्नर विच भी किया हुआ, इधर स्टैंड से सारे पॉट लगाए हुए हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के पॉट दे स्टैंड है। कुछ स्टैंड जेडे नॉर्मली उदा हैं, कुछ साइकिल वाले भी हैं। इधर नीचे जो छोटे प्लांट होंगे हैं, छोटे मतलब जिदा फ्लावर वाले जो छोटे साइज के होंगे वो लगाए हुए हैं। इधर सारी लाइन विच एंड तक इन्होंने घा भी लगाया हुआ है, असी हले लगाया नहीं, वैसे फ्यूचर च अगर सोचांगे अगर लगाना होया तो लगावांगे। इधर दूसरी साइड नू भी लगाए हुए हैं, इधर फ्लावर्स आ गए, इधर निकले हुए हैं, उधर छोटे हले ज़्यादा हैं, उधर नहीं निकले, इधर निकले हुए हैं। उस तो बाद अंब आ गया, इस दे अंब दे इन्ने मतलब मिठे होंदे हैं, ये बाहरली साइड है, इधर घरदियां नूं घट बाहर दे ज़्यादा नसीब होंदे हैं, लोग तोड़ ले जाते हैं रात नूं, पर मिठे बहुत होंदे इस दे। उपर जाना बेड़ा धोना, बाकी जिहड़े हैंगिंग प्लांट असीं टंगे हैं उन्हां विच पानी खाद मतलब पानी विच घोल के रखी हुई है। तो बाकी आ रहा समान, छाननी नीचे दूसरी छाननी, उपर बंद डब्बा, इधर नहीं इधर नहीं इधर रख दें। तो चलो इधर सारा समान हैगा, एक बस थैला रह गया वो लेके आने बाहरों। तो चलो बने रहो वीडियो विच, सारा दिखाने अज बेड़े भी धोवांगे, कणक भी धोवांगे, बाकी खाद भी पावांगे। तो बने रहो वीडियो विच एंड तक। अज मैं बैड ते रखी हुई सीगियां स्पैक्स, इदां मतलब ना मैं सिर बाहन लगा सीगा, उत्ते दी ने हाथ रख दिता, थोड़ा जिहा ना डंडियां टेढ़ियां हो गई सी पर खर्चे तो बच गया, सीधियां हो गई वापस। इदां दी इहनां दा इही फायदा है सीधा हो जांदा जे माड़ा मोटा फ्रेम टेढ़ा हो जाए, इस थोड़ा फ्लैक्सीबल हुंदा। देखो जिद्दां कि तुसीं देख सकदे हो, देखो इदां इह फ्लैक्सीबल हुंदी है, इन्ना पूरा मतलब सीधा हो गया, थोड़ा बहुत रह गया सी उह मैं ट्यूशन तों आ के कर लिया। तो चलो थैला लेके आने पहलां बाहरों।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਸਿਸ ਲਓ ਜੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਮੰਜਰੇ ਪਰ ਚਾਦਰ ਚਾਦਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਥੈਲਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਣਕ ਧੋਣੀ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੂੰਗੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੇ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣ ਕਣਕ ਉੱਧਰ ਟੱਬ ਭਰਦੇ ਹੈ ਕਣਕ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਸ ਰੱਖਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ಮಾರ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ